हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर, और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें। अगर आप भी रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो या रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन न्यू मार्केट से परचेज करके लेकर आए हो और किसी कारणवश वो रियलमी फ़ोन आपसे या आपके फैमिली से या आपके फैमिली रिलेटेड से किसी से भी पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक लग जाता है और आप अपने पासवर्ड, पैटर्न, पिन को भूल जाते हो, तब आपका फ़ोन इस प्रकार से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता फ्रेंड, जिसका मुख्य कारण आप होते हो। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो तुरंत, क्योंकि आप लोग को पता है वहाँ पे फ़ोन अनलॉक होता है। लेकिन फ्रेंड आप लोग को ये पता नहीं है वहाँ पे जो भी वर्क वो लोग आपके फ़ोन में करेंगे ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर का मदद लेकर करेंगे, आपको कभी भी वो वर्क दिखाएंगे नहीं, आपसे पैसा लेंगे, आपका समय लेंगे, आपके फ़ोन के अंदर का जितना भी डाटा है, आप अपने फ़ोन में फैमिली फ़ोटो रखे हो, फैमिली ऑडियो है, फैमिली वीडियो है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ऐप, गेम, जो भी आप अपने वीडियो में फ़ोन में रखे हो ना फ्रेंड, वो टोटल का टोटल डाटा एप्लीकेशन ऐप डिलीट कर देंगे सर्विस सेंटर वाले, उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होगा। सबसे ज़्यादा महंगा ये पड़ता है जब आपका डाटा डिलीट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो फ्रेंड कि आपका रियलमी फ़ोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना पैसा दिए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के, तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अप्रैल मंथ का वो मेथड बताएंगे आज, जिस मेथड को अगर आप लोग भी सही तरीके से देखते हो और अपने फ़ोन में सेम वही मेथड अप्लाई करते हो तो आपका भी रियलमी फ़ोन अनलॉक होगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। कभी भी अनलॉकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोग के सामने आएगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड मैं इस वीडियो पर आता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने रियलमी के एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीपअप करोगे, पैटर्न पासवर्ड जो होगा वो शो करेगा। जैसा कि इस रियलमी फोन में पैटर्न लॉक है, आप लोग देख लो, ये रियलमी नार्जो है, तो इस फोन में पासवर्ड लॉक है, सॉरी मैंने अभी पैटर्न बोला था। तो यहां पे आप अपना पैटर्न डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार पैटर्न को ट्राई करोगे सेकंड शो करेगा क्योंकि वो रॉन्ग पैटर्न है, फिर से ट्राई करोगे मिनट शो करेगा। बार बार आप रॉन्ग पैटर्न डाल रहे हो जिसके कारण आपका फ़ोन डेथ भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको इतना कोशिश नहीं करना है फ्रेंड, आपको इस पेज में कोई ऑप्शन खोजना है वर्क करने के लिए, इस पासवर्ड वाले पेज में आप देखो ऊपर कोई ऑप्शन नहीं, दाएँ कोई ऑप्शन नहीं, बाएँ कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन आप नीचे देखोगे फ्रेंड तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो ऑप्शन है इमरजेंसी कॉल का, आप देख सकते हो ये इमरजेंसी कॉल। इसके अलावा आप देखना फ्रेंड आपको कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं भी नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास यही इमरजेंसी ही कॉल है। तो हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू डायलेट ओपन होगा। तो बस इस न्यू डायलेट में जो ओपन हुआ है *#899 *#, कोड याद रखना फ्रेंड सब, *#899 और हैच पे क्लिक करना फ्रेंड। जब आप क्लिक करोगे डायलेट पे ये कोड तो आपके सामने एक इंजीनियर मूड नाम का पेज ओपन होगा। आपको बस इस इंजीनियर मूड में जो भी वर्क हम बता रहे हैं आपको सेम वो वर्क अपने रियलमी फ़ोन में करना है। तो पांचवा नंबर ऑप्शन ऊपर से *#***3**4*5 सॉफ्टवेयर वर्जन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर 12 शो कर रहा है, 12, तो हम यहाँ पर 12 बार क्लिक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर यहाँ पे 13 होता तो हम 13 बार क्लिक करते, 14 होता, 15 होता, हम उतना टाइम क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस फोन का, रियलमी फोन का एंड्रॉयड वर्जन 12 है तो हम 12 टाइम क्लिक किए। आपके फ़ोन में जितना रहेगा आप उतना टाइम क्लिक करना। जस्ट ऊपर मैनुअल टेस्ट है, इस यहाँ पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकेंड पेज पे आइए डिवाइस डबिंग पे, और सबसे पहले ऊपर में आपको दिखेगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। इस फोन में आपका दो सेंसर शो हो रहा है, जो ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड करके आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो फ्रेंड आपको ये दोनों सेंसर को स्टार्ट कर देना है क्योंकि आपके फ़ोन में दो सेंसर है। अगर आपके फ़ोन में 3 है 4 है 5 है आप सबको स्टार्ट कर दो और एक पास आने तक का वेट करना फ्रेंड। अगर एक पास आएगा तो आपका पहला वर्क सक्सेसफुल होगा।
तो ये दोनों सेंसर को हम अभी स्टार्ट करेंगे, ये वर्किंग करेगा, येलो कलर का हो जाएगा और एक पास आना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में जितना भी सेंसर है, दो से अलावा, दो से एक्स्ट्रा, आप सबको पास स्टार्ट कर दो, एक पास आना चाहिए बस। दोनों को हम स्टार्ट किए हैं, येलो कलर का हो चुका, आप देख रहे हो फ्रेंड, ऊपर का पास, नीचे का फेल। हम लोग का मेन मकसद क्या था, एक पास का, जो ऊपर का हो चुका है। अब हम इसको बैक कर लेंगे और अब जस्ट ऊपर आएंगे जी सेंसर के नीचे आपको दिखेगा जायरोस्कोप, जहाँ पे मेन वर्क होगा फ्रेंड, ध्यान देना, जायरोस्कोप पे क्लिक करना। ग्राफ का जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे क्लिक करना और इसको 10 सेकंड रनिंग करते हुए छोड़ देना। जिस रियलमी फ़ोन में ये 10 सेकंड बिना रुके हुए रनिंग करता है, उस रियलमी फ़ोन का सारा ईमेल जीमेल ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप होता है। अब लगे आपको 10 सेकंड कंप्लीट होगी, आप इसको बैक कर लेना। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना होगा, ये भी वर्क इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन वर्क होगा, तीनों वर्क इंपॉर्टेंट है। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करना, बहुत सारे रियलमी फ़ोन में स्टार्ट करने का ऑप्शन दे दिया होगा तो स्टार्ट कर लेना, नहीं तो बहुत सारे रियलमी फ़ोन में डायरेक्ट पास या फेल का ऑप्शन आ जाता होगा रिजल्ट। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे, पास या फेल का रिजल्ट आ जाएगा। पास आएगा तो ही बैक करना है, जब तक पास नहीं आएगा तब तक बैक नहीं करना। यहाँ पर स्टार्ट करने का ऑप्शन है, हम स्टार्ट कर दिए, पास ही आना चाहिए फ्रेंड तो आपका फ़ोन अनलॉक होगा। फेल हुआ कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे, नो डाउट, फिर से पास आया फ्रेंड, पास आया, मैंने बोला था कि पास आएगा, ट्राई करना, बस हिम्मत मत हारना। तीन नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले, जहाँ पे हम आपको बताते हैं डाटा कैसे रिकवर किया जाता है। सर्विस सेंटर वाले को पैसा और समय देते हो, फिर भी वो लोग आपका डाटा डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ना हम पैसा लेते हैं ना समय, फ्री में डाटा रिकवर करके देंगे। डाटा डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, सिंपल तरीके से आप देखोगे एक्स वाई जेड तीन एंगल नीचे की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, इसको 30 तक इंक्रीज करने दीजिए। ये आपका टोटल का टोटल डाटा ही रिकवर हो रहा है फ्रेंड, अगर ये 30 तक रिकवर इंक्रीज करता है तो आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर होता है। आप देख सकते हो 30 प्लस हो चुका है। तो अब हम इसको बैक कर लेंगे और चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे, जिसका नाम होगा अदर्स। अदर्स पे आने के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हो फ्रेंड, रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, आप यहाँ पे क्लिक करना। कैंसल और ओके का ऑप्शन दिया, आप कैंसल करना, फिर क्लिक करना और ये कोड *#121*#, ओके। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड जिस फोन में भी शो कर रहा है, समझिएगा पासवर्ड पैटर्न पिन रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए रॉन्ग पासवर्ड शो किया है। तो अब आपको की स्टेटस शो कर रहा है तीन नंबर ऑप्शन पे, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, बस आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है पास है या फेल। बस क्लिक करके चेक कीजिए पास है या फेल। नेम में जितना भी की है बोले तो लॉक, स्टेटस में सारा पास 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 शो कर रहा है। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पासवर्ड पैटर्न पिन टूट चुका है, इसीलिए पास 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 शो किया है। इसको बैक कर लीजिएगा। डाटाबेस वर्जन पे 2 टाइम क्लिक कीजिए, 1, 2। रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक करके चेक कीजिए यहाँ पास है कि फेल। अगर यहाँ पास है तुरंत होम बटन पे क्लिक कीजिएगा, यदि स्वीप अप का ऑप्शन होगा तो स्वीप अप कीजिएगा, लेकिन होम बटन सही फ्रेंड। रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक किए, पास आया, होम बटन का ऑप्शन है मेरे पास, होम बटन पे क्लिक किए और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन मैंने कैसे अनलॉक किया, वो भी विदाउट डाटा लॉस किया। इस फोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं, आप देख लो टोटल का टोटल डाटा सेफ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते ये वर्क आपको नहीं देखने को मिलता, पैसा लगता, समय लगता, डाटा भी लगता, लेकिन मैंने पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया और आपका फ़ोन भी अनलॉक किया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए मॉडल नंबर के साथ, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। 10 मिनट के अंदर पासवर्ड पैटर्न पिन चेंज जरूर कर लेना फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।